हेलो बच्चों, आप लोगों को फिर से स्वागत है आप लोगों का तेरा चैनल लूसिफर यूनिवर्स ऑफ फिजिक्स। मैं कौशिक शाह फिर से आप लोगों के सामने आज लेकर आया हूँ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ये एक न्यू चैप्टर है और इस आज के लेक्चर में हम लोग पूरी बेसिक बातें डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन वगैरह, हिस्ट्री वगैरह ऐसे देखेंगे, पूरा बेसिक बातें। आज उतना मतलब डीपली नहीं जाएंगे आज का लेक्चर, वैसे ही आप लोगों का डिस्कशन होगा। तो शुरू करने से पहले मैं फिर एक बार आप लोगों को बोल देता हूँ कि मेरा चैनल पे जो लोग न्यू हैं या मेरा वीडियोस फर्स्ट टाइम देख रहे हो वो लोग प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दो ताकि मेरा वीडियोस आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच सके, ठीक है। तो अभी तक तो हम लोगों ने यूनिट्स एंड डायमेंशन और मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन टू डायमेंशन, प्रोजेक्टेड मोशन, ये सब सारे चीजें थोड़ी बहुत सीख ली है। तो आज हम लोग बात करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो अगर वीडियो में कोई भी डाउट होता है या वीडियो में कोई भी दिक्कत होती है या मुझसे कोई गलती होती है तो आप लोग इस नंबर पे कॉल करो या व्हाट्सएप कर सकते हो, और नहीं तो वीडियो के नीचे कॉमेंट बॉक्स में भी बोल सकते हो या फिर फेसबुक पे भी बोल सकते हो, ट्वीट कर सकते हो और मेल भी कर सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर आप लोगों का कोई खुद का भी कोई प्रॉब्लम होता है या कोई मतलब दिक्कत होती है तो आप लोग वो प्रॉब्लम का फोटो खींच के इस नंबर पे मैसेज कर दो, मुझसे जितना हो पाएगा मैं आप लोगों को हेल्प करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं आज हम लोगों का न्यू चैप्टर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जिसपे हम लोग बात करेंगे बेसिक नॉलेज। मीन्स जो तुम लोगों ने छोटे वाले क्लास में, मीन्स क्लास 9, 8, 10 यहाँ पर पढ़ चुके हैं, बहुत इजी वाला बात आज हम लोग बात करेंगे। तो पहले आते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पे, फोर्स। ये तो सबको पता है फोर्स क्या होता है, क्या होते हैं फोर्स, नाम तो सुना ही होगा फोर्स। ये मैं किसी हिंदी फिल्म के बारे में बात नहीं कर रहा हूं जिसका एक्टर था जॉन, ये फोर्स है फिजिक्स का फोर्स, ठीक है। अच्छा, फोर्स क्या है? फोर्स इज द एक्सटर्नल एजेंट, तो डेफिनेशन में लिख लेता हूं, फोर्स इज द एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है। फोर्स क्या है? एक्सटर्नल एजेंट है, ये पुल भी हो सकता है पुश भी हो सकता है, पुल और पुश, विच ये क्या करता है, विच चेंजेस और टेंस टू चेंजेस, विच चेंजेस और टेंस टू चेंजेस, टेंस टू चेंजेस दैट स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ बॉडी, दैट स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ बॉडी। तो फोर्स क्या है? बॉडी इन स्ट्रेट लाइन भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। फोर्स क्या है? फोर्स मतलब ये एक एक्सटर्नल एजेंट है जो क्या करता है, कोई भी चीज को तकलीफ देता है, ठीक है। फोर्स क्या है? ये एक एक्सटर्नल एजेंट है जो कोई भी चीज को तकलीफ देते हैं। तकलीफ मीन्स मान लो कि यहां पर तुम्हारा गला थोड़ा लंबा दे दिया, डोंट माइंड, यहां पर तुम आराम से खड़े हुए हो, आराम से खड़े हुए हो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल शांत एसी रूम पे ऐसे खड़े हुए हो और मैं जाकर तुमको ऐसे थप्पड़ लगाया, यहां पर जाकर मैं थप्पड़ लगाया तो क्या होगा? तुम्हारा फर्स्ट टाइम गुस्सा तो आएगा और तुमको इस जो एसी रूम का हवा है ये बहुत मजा आ रहा है, लेकिन तुम यहां से हटना नहीं चाहोगे,
ये फिर से दो चाटा लगाए तो तुम क्या बहुत गुस्से से यहाँ से हट जाओ, मतलब मैंने तुमको तकलीफ दिया है चाटे से या मुक्के से, मैंने तुमको तकलीफ दिया है तो इसका मतलब क्या है, मैंने तुम्हारे ऊपर फोर्स अप्लाई किया है। वही है कि फोर्स इज द एक्सटर्नल एजेंट पुश और पुल व्हिच चेंजेस और टेंड्स टू चेंजेस। अभी मान लो यहाँ पर तुम्हारी जगह पर एक बड़ा सा हाथी है, उसको जाकर अगर मैंने थप्पड़ लगाया हो वो मतलब क्या करेगा, बात सोच के हंसी आ गई। मैंने जाकर एक हाथी को थप्पड़ लगाया तो वो क्या करेगा, वो तो मतलब कुछ फील ही नहीं होगा उसको, क्या मैंने थप्पड़ ही लगाया या मतलब उसको टच भी किया होगा। तो इसलिए टेंस टू चेंजेस, मतलब मैंने कोशिश की उसको उठाने की लेकिन मेरा जो थप्पड़ है वो उसके ऊपर असर ही नहीं कर रहा है, मतलब उसका बॉडी बहुत बड़ा है इसलिए मेरा थप्पड़ उस पर असर नहीं कर रहा, मतलब मेरा फोर्स जो है वो मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है लेकिन कोशिश कर रहा है, इसलिए टेंड्स टू चेंजेस। ठीक है, अभी आते हैं फिजिक्स के बारे में, ये तो रियल लाइफ के बारे में बोला है, फिजिक्स के बारे में एक बार देखते हैं कि मान लो ये हो गया हम लोगों का टेबल या ये हो गया हम लोगों का फ्लोर, यहां पर एक ब्लॉक है या फिर एक कारी है। ठीक है, मान लो यहां पर एक टॉय कार है तो यह जनरली टॉय कार जैसे है वैसे ही रहेगा अगर तुम इसको कुछ भी नहीं करो तो। अच्छा, अभी यहां पर अगर तुमने कुछ पीछे से धक्का दिया होगा तब क्या करेगा, ये टॉय कार आगे निकल जाएगा, तो मीन्स तुमने क्या क्या है धक्का दिया है पुश किया है, तो यह हो गया तुम्हारा फोर्स। ठीक है, अभी मान लो कि ये एक वॉल है, वॉल मीन्स रूम का एक वॉल। ठीक है, ये हो गया रूम का सरफेस, ये हो गया वॉल। अभी तुमने इसको धक्का लगाया हो, जोर से धक्का लगाया तब क्या होगा, वॉल तो हटेगा नहीं, तुम जितना जोर से लगाओ ये वॉल को, मैं जितना जोर से धक्का लगाऊ जितना जोर से धक्का लगाऊ ये वॉल हटेगा नहीं, तो मतलब मैंने जो फोर्स किया है वो टेंड्स टू चेंजेस दिस स्टेट ऑफ रेस्ट, मैंने इसका रेस्ट का जो वॉल का रेस्ट वाला पोजीशन है उसको मैं चेंज करने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन वो हो नहीं रहा है, तो उसी को भी फोर्स ही बोलेंगे। ठीक है, समझ में आएगा फोर्स किसको बोलते हैं। चलो ठीक है, अभी आते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, तो न्यूटन ने थ्री लॉस दिया था, कितना लॉ दिया है न्यूटन ने, थ्री लॉ दिया है, और थ्री लॉ न्यूटन के फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ के हिसाब से जाना जाता है। ठीक है, तो चलो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या होता है, एक नंबर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ये तो सबको पता ही है, नीचे क्लास में भी था। फर्स्ट लॉ क्या था, ए बॉडी कॉन्टिन्यूस टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, ए बॉडी क्या करेगा, ए बॉडी कॉन्टिन्यूस टू बी कॉन्टिन्यूस टू बी इन रेस्ट ऑफ इन द एग्जांपल इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, रेस्ट पे रहेगा और यूनिफॉर्म मोशन एलोंग ए स्ट्रेट लाइन और यूनिफॉर्म मोशन एलोंग ए स्ट्रेट लाइन, एलोंग ए स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्ट अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, अनलेस एक्ट अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, यह है न्यूटन का फर्स्ट लॉ, अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, ये हो गया
फास्ट में, ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। क्या बोला है, बोल देता हूँ। ए बॉडी कंटिन्यूस टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, एक बॉडी या ऑब्जेक्ट मान लो हमेशा स्टेट में रहेगा, कंटिन्यूस टू बी इन द स्टेट ऑफ द रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन एलोंग स्ट्रेट में, नहीं तो वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर यूनिफॉर्म मोशन में हमेशा चलता ही रहेगा, अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, मींस अगर उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होता तो क्या होगा, एक बॉडी जो रेस्ट में है रेस्ट में जाएगा और जो मोशन में है वो हमेशा मोशन में चलता रहेगा स्ट्रेट लाइन पे, ठीक है। दूसरा लॉ क्या बोल रहा है इसने, सेकंड लॉ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी, द न्यूटन्स सेकंड लॉ, न्यूटन्स सेकंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू द ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन इट, फोर्स अप्लाइड ऑन इट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन इट। इसका एक इक्वेशन का चेहरा देने से डेल पी बाई डेल टी हो गया इक्वल टू एम, इसको हम बात करेंगे थोड़ी देर बाद में। थर्ड वाला लॉ था न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन का तीसरा लॉ क्या, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ये तो सबको पता है, ये बिल्कुल इजी वाला है। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये है इसका थर्ड। तो न्यूरॉन का थर्ड लॉ क्या है, रिएक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब कोई भी एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन रहेगा, ठीक है, ये तो सबको पता है। जैसे हम लोग वॉल के ऊपर मुक्का मारते हैं तो क्या होते हैं, वाल भी हमारे ऊपर एक मुक्का मारते हैं जिसके वजह से हाथ पे दर्द होता है, ठीक है। इसलिए अगर वाल ने हमारे ऊपर दूसरी तरफ मुक्का नहीं मारता था तो मेरा मुक्का से वाल टूट जाना था लेकिन मुझे दर्द नहीं होना था, वाल ने भी मेरे ऊपर मुक्का मारा है इसलिए मुझे भी दर्द होता है, समझ गए बात। और दूसरी जो है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन इट, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो ये कॉपी कर लो, जल्दी से जल्दी कॉपी कर लो। ठीक बिटा देता हूं, अभी देखते हैं डिस्कशन ऑफ फास्ट लॉ। चलो फास्ट लॉ के बारे में डिस्कस करते हैं। तो क्या था फास्ट लॉ, जो अगर कोई भी चीज के ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं होता है तो वो क्या होगा, हमेशा चलता ही रहेगा स्ट्रेट लाइन पे और नहीं तो रेस्ट पे रहेगा। तो फास्ट वाला पार्ट में समझा रहा हूं, जो मान लो जैसे कि
यहाँ पर एक ब्लॉक है, ब्लॉक कोई भी सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक है, अगर तुम इस पर फोर्स अप्लाई नहीं करोगे यह अपने आप कभी भी इस जगह से डिस्प्लेस नहीं होगा, मतलब यहां से वहां तक नहीं जाएगा, जहां पर है वहीं पर ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, तो फास्ट फ्लो के अंदर में एक तो बात आता है, वो है इनर्शिया ऑफ मैटर। ये क्या होता है इनर्शिया ऑफ मैटर, ये बात आप लोगों को समझने का जरूरत है। ये क्या होता है इनर्शिया ऑफ मैटर, ये होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई पार्टिकल या मान लो कोई बॉडी रेस्ट में है, वो चाहेगा कि हमेशा रेस्ट में रहे, ठीक है, उसको रेस्ट में अच्छा लगता है, और अगर मोशन में रहे तो वो चाहेगा कि अपने बॉडी को मोशन में रहे, ठीक है, उसी को बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मैटर। समझ में आएगा इनर्शिया ऑफ मैटर, अगर कोई बॉडी रेस्ट में रहे मतलब उसका रेस्ट में रहने का जो उसका पॉसिबिलिटी या उसको रेस्ट में मतलब रहने का जो उसका टेंडेंसी, उसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। कोई रेस्ट बॉडी का रेस्ट में रहने का जो टेंडेंसी है उसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और कोई बॉडी अगर मोशन में रहता है उसको मोशन में रहने के जो टेंडेंसी है उसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है। चलो कुछ एग्जांपल देखें, इन दोनों चीज अच्छी तरह से समझते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट मतलब कोई रेस्ट में है उसे रेस्ट में अच्छा लगता है, इसका मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखो एक मजेदार एग्जांपल है, तुम लोगों को भी अच्छा लगेगा। मान लो कि ये एक कार है, ठीक है, ये एक कार है, यहां पर जो पैसेंजर्स है वो मान लो कि बैठे हुए हैं या खड़े हुए हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, एक कार मोशन पे चल रहा है, ठीक है, लेकिन जो पैसेंजर्स है वो तो कार के अंदर क्या है रेस्ट है, वो तो अपने जगह पर आराम से बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आराम से सो रहे। अच्छा, अभी मान लो कि कार ने मारा एक ब्रेक, उसने ब्रेक प्रेस की, तो कार क्या आ गया मोशन से रेस्ट पे, ठीक है। अभी क्या होगा, ये जितना पैसेंजर से वो सब सामने की तरफ आ जाएगा, सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं, हम लोग कार पे ऐसे बैठे हुए हैं, कार चल रहे चल रहे, अगर कार सडनली ब्रेक मारते तब हम लोग क्या करते हैं सामने की तरफ ऐसे आ जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, कार तो मोशन पे था पहले, मोशन पे होने की वजह से जो हम लोग भी मोशन पे था, ठीक है, लेकिन कार जब ब्रेक मारा तो कार का बॉडी और टायर सब रेस्ट पे आ गया, लेकिन हम लोगों का जो बॉडी है वो इतना कम टाइम में रेस्ट पे नहीं आ पाया, तो क्या होता है हम लोगों का जो बॉडी है वो मोशन पे ही रहने का कोशिश कर रहा है, ठीक है, इसलिए हम लोग सामने की तरफ आ गए, मतलब ये हो गया इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जांपल। जो रेस्ट में हम लोग थे मतलब सॉरी मोशन पे जब हम लोग थे तब हम लोग मोशन को ही अच्छा लगता, हमारे बॉडी को मोशन ही अच्छा लगता था, तो ब्रेक मारने से हमारा बॉडी सामने की तरफ आ गया, मतलब वो चाह रहा था कि मोशन पे रहे लेकिन वो रह नहीं पाए इसलिए सामने की तरफ आ जाता है, ठीक है, समझ में आएगा। इनर्शिया ऑफ मोशन और ये देखते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट वाला,
मान लो यहां पर एक ग्लास है या फिर कोई भी मान लो ऐसे कोई कंटेनर है, इसके ऊपर मैंने एक कार्डबोर्ड रखा है। कार्डबोर्ड समझ में आता है, कोई भी मान लो बोर्ड, हल्के वाले पतले वाले बोर्ड मैंने यहां पर रखा है। तो इसके ऊपर मैं एक मार्बल रखता हूं। अभी इसको एक ये मान लो एक स्केल है, ठीक है, इसको मैं ऐसे खींच के इसको छोड़ दिया, तो अभी क्या करेगा ये ऐसे जाके इसको धक्का मारेगा, ठीक है। धक्का मारने से क्या होगा, ये कार्डबोर्ड जो है वो आगे की तरफ निकल जाएगा, लेकिन ये मार्बल जो है ये अंदर गिर जाएगा, यहां पर पानी होने से पानी के अंदर गिर जाएगा। देखो समझ में आता है कि नहीं, ये मान लो कि एक ग्लास या टूथपिक कंटेनर है, यहां पर एक मैंने कार्डबोर्ड देखे, यहां पर एक मार्बल या छोटा वाला कोई पत्थर यहां पर रखा है, या ये एक्सपेरिमेंट तुम लोग भी कर सकते हो। और इस जो कार्डबोर्ड है इसको थोड़ा जोर से फोर्स देना, इसलिए मैंने एक स्केल को ऐसे कार्ब करके छोड़ दिया, तो उसका फोर्स बहुत ज्यादा होगा, तो क्या होगा, ये बोर्ड आगे की तरफ निकल जाएगा लेकिन ये मार्बल नीचे गिरेगा। इसका मतलब क्या है, मैंने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया, तो इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करने से ये जल्दी से आगे निकल गया, लेकिन ये जो रेस्ट पे था इसको रेस्ट वाला पोजिशन अच्छा लगता था, तो ये रेस्ट पे रही और नीचे गिर गई, बोर्ड नीचे से चला गया लेकिन ये नीचे गिर गई, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का मोशन ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल। और एक टू एग्जाम्पल दे सकता हूं, जैसे कि मान लो कोई ग्लास का विंडो है, ठीक है, अगर इस पे कोई बुलेट से फायर करता है तो क्या होगा, मतलब कोई भी पिस्तौल से फायर करता है तो क्या होगा, बुलेट जो है वो आर पार हो जाएगा, ठीक है, ग्लास को क्रॉस करके आर पार हो जाएगा, और बुलेट का जो निशान है वो यहां पर पूरा ग्लास नहीं टूटेगा, सिर्फ एक होल रह जाएगा, बुलेट से फायर करने से सिर्फ एक होल रह जाएगा। इसका क्या एक्सप्लेनेशन है, एक ग्लास क्यों नहीं टूटा है, क्योंकि ये जो ग्लास है बुलेट इतना तेजी से जा रहा है, इतना स्पीड से जा रहा है, इसका फोर्स इतना ज्यादा है कि जहां पर इसने टच किया है सिर्फ उस पार्टिकल को ही डिस्प्लेस्ड है, बाकी सारा पार्टिकल जो है मतलब तो ग्लास है, ग्लास का मेटेरियल से वो सब रेस्ट में जरा जाता है। ये इतना जगह पर बुलेट ने फोर्स अप्लाई किया है तो ये इतना जगह ही डिस्प्लेस हुआ है, मतलब इतना प्लेस ही डिस्प्लेस हुआ, मतलब इतना तक ही फोल्ड हुआ है, बाकी पूरा ग्लास ऐसे सेफ है। अभी बोल सकते हो कि ग्लास के ऊपर मान लो कि एक ग्लास का एक ग्लास है, सर आपने बोला है कि बुलेट देने से छोटा वाला होल होता है, लेकिन मैंने एक बड़ा सा पत्थर फेंका था तो पूरा ग्लास ही टूट गया, ऐसा क्यों होता है। हाँ, ये तो ग्लास का विंडो है, अगर तुमने इतना बड़ा पत्थर फेंका होगा तो तुम्हारा फोर्स भी उतना ज्यादा नहीं होगा। एक नंबर चीज, बुलेट ने एक छोटे से जगह पर बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई किया है और तुम्हारे हाथ पे इतना ज्यादा एनर्जी नहीं है कि इतना बड़ा पत्थर को तुम इतना फोर्स दे सको, तो उसका वजह से फोर्स बहुत कम होता है, इसलिए तुम्हारा जो फोर्स है वो पूरा ग्लास के अंदर मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसलिए पूरा ग्लास टूट गया है। और यहां पर डिस्ट्रीब्यूट होने का टाइम ही नहीं है, इतना कम टाइम में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाया है, इसलिए पूरा ग्लास सेफ रहा है, सिर्फ इस जगह होल हो गया, ठीक है। ये हो गया मोशन ऑफ रेस्ट का एग्जांपल, ठीक है। और हम लोगों ने जो कार वाला एग्जांपल दिया था मोशन ऑफ सॉरी इनर्शिया ऑफ मैटर का, वैसे भी कार वाला एग्जांपल हम लोग इनर्शिया ऑफ रेस्ट का भी दे सकते हैं। मान लो ये कार है, तो अगर यहां पर पैसेंजर्स बैठे हुए हैं या खड़े हुए हैं, गाड़ी भी खड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, आराम से गाड़ी भी खड़ा हुआ है, पैसेंजर भी खड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, सब सो रहा है,
अभी ड्राइवर ने क्या कहा, यहां से ड्राइवर ने अभी मारा है एक्सेलरेटर पे प्रेस, तो गाड़ी क्या हो जाएगा, अचानक से आगे की तरफ निकल जाएगा और पैसेंजर्स जो है वो क्या होगा, पीछे की तरफ गिर जाएगा। अगर खड़े होते थे तब तो डेफिनेटली गिर जाएगा। मैं भी ऐसे तरह एक बार गिर गया हूं, गाड़ी ने अचानक से मारा है तो ऐसे फिसल गया। चलो ठीक, जितना वाले लोग था बस में पूरा सबने हंसा था, मेरा तो इज्जत का खुदा पूरा फवदा हो चुका है। चलो वो कोई बात नहीं है, तुम लोगों के साथ भी होगा, इसका टेंशन मत लो, ऐसा हर किसी के साथ होता है। अच्छा अभी जो मैं बोल रहा हूं, हाँ चलो आते फिजिक्स पे भाई। यहाँ पर बस रेस्ट पे था अचानक से उसका स्पीड आ जाने से बस के ऊपर, बस तो मोशन पे आ गया लेकिन हमारा जो बॉडी है वो तो रेस्ट में ही रहना चाहता है, इसलिए वो रेस्ट पे खड़े हुए और नीचे का बस आगे की तरफ निकल गया तो हम लोग पीछे की तरफ गिर गए। वही है इनर्शिया ऑफ मैटर, ये है इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल। ठीक है, इनर्शिया ऑफ मोशन का और एक तो मैं एग्जांपल देता हूं, इनर्शिया ऑफ मोशन मतलब जो मोशन पे रहना चाहिए उसका। मान लो कोई भी फिक्स पॉइंट पे एक पत्थर को हैंगिंग करके, मतलब पत्थर को थ्रेड से ऐसे पकड़ के बांध के इसको छोड़ दे तो ये क्या होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन पे ऐसे ऐसे चलने लगेगा। ठीक है, ऐसे ऐसे चलने लगेगा, मैंने इसको ऐसे छोड़ दिया तो ये ऐसे ऐसे घूमने लगेगा। तो वही है मोशन ऑफ क्या, सॉरी इनर्शिया ऑफ मोशन। अच्छा अगर इसका प्रॉपर्टी या इसका टेंडेंसी इसको मोशन पे रहने के लिए मजबूर नहीं करता तो क्या होता, ये यहां पर आके उसका मोशन जीरो हो जाना था, लेकिन ये जब यहां पर आते हैं तो इसका जो स्पीड है इसको स्पीड में ही रहने की बात करते हैं, क्या भाई तुम स्पीड पे हो अभी, स्पीड में ही रहो तुम रेस्ट पे मत हो, तो इसलिए वो ये पॉइंट छोड़ के दूसरा तरफ चला जाता है। तो यहां पर आप लोगों के मन में एक तो क्वेश्चन आएगा कि सर कुछ टाइम बाद तो ये स्टेबल हो जाता है, कुछ टाइम बाद तो ये यहां पर स्टेबल हो जाता है, इसका मोशन जो है उसका वेलोसिटी जो है जीरो हो जाता है, तो क्या है ये, क्या मतलब इनर्शिया ऑफ मोशन का पालन नहीं करते हैं? तो मैं बोलूंगा कि इस पे एक कंडीशन है कि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होने से, लेकिन हम लोग जब इसको यहां पर छोड़ते हैं ये मोशन में तो रहता है लेकिन कुछ देर बाद स्टेबल में आ जाते हैं, उसका कारण ये है कि ये पूरा सिस्टम के ऊपर एक फोर्स अप्लाई होता है वो है फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स तो पता है, और वो फ्रिक्शनल फोर्स किसके लिए होता है, एयर के लिए, क्योंकि हम जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं वो एयर में ही करते हैं, अगर एयर नहीं होगा तो हम जीवित ही नहीं रहेंगे, तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए एयर तो चाहिए चाहिए। तो एयर के करने से एयर का जो मॉलिक्यूल है इसका मोशन को उल्टी तरफ फोर्स अप्लाई करता है फ्रिक्शनल फोर्स, इसलिए ये इसका मोशन जो है धीरे 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 रिड्यूस होता जाता है, इसका जो स्पीड है वो धीरे धीरे घटता जाता है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ी देर बाद में अपने आप क्या होता है रेस्ट पे आ जाता है। तो एक्चुअली इनर्शिया ऑफ मोशन जो है, इनर्शिया ऑफ मोशन हम लोग कभी भी प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं देखते, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मोशन पे हमेशा चलता रहे, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में सबके ऊपर ही फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होता है। जैसे कि मान लो पंखा जो ऊपर में घूमता रहता है, अगर हम लोग फैन का स्विच ऑफ कर दें ये थोड़ी देर बाद में रेस्ट पे आ जाता है, क्यों, क्योंकि उस पर भी फ्रिक्शनल फोर्स होता है। मान लो एक गाड़ी या एक कार इसको कोई धक्का दे दिया
तो ये थोड़ी देर बाद में क्या होगा, आ जाएगा रेस्ट क्यू, क्योंकि उस पर भी फिक्शनल फोर्स अप्लाई होता है। घड़ी के ऊपर तो दो फिक्शनल फोर्स अप्लाई होता है, एक टायर के लिए, दूसरा घड़ी के टायर और जो हम लोगों का जो सरफेस ऑफ अर्थ है ग्राउंड के लिए, वो टायर और ग्राउंड का बीच का जो कॉन्टेक्ट है उसमें और एक फिक्शनल फोर्स अप्लाई होता है। तो इसके वजह से जो गाड़ी है ये थोड़ी देर जाके रेस्ट में आ जाता है। ठीक है, अभी इनर्शिया ऑफ मोशन का और एक टू एग्जांपल देखते हैं। मैं इतना सारा एग्जांपल क्यों दिखा रहा हूं आप लोगों को, एक्चुअली इतना सारा एग्जांपल आप लोगों के क्वेश्चन में आ सकता है, स्कूल के या बोर्ड के क्वेश्चन में आ ही सकता है। कि मान लो एक जैसे कि वाई जब हम लोग गाड़ी पे जा रहे हो और ड्राइवर ने अचानक से ब्रेक मारा है तो हम लोग आगे की तरफ क्यों आ जाते हैं, वाई ऐसा कुछ ना सकता है। फिर मान लो जो मैंने एक्सपेरिमेंट दिखाया था, एक कार्डबोर्ड में अंदर एक मार्बल ऐसे उसको फोर्स देने से वो जो मार्बल है वो अंदर के मतलब ग्लास पे क्यों गिरता है, तो आपको ये सारी बातें मतलब एक्सप्लेन करके लिखते हैं। तो अभी मैं और एक एग्जांपल देता हूं, मान लो कि ये एक टॉय रेल हो गया, रेलगाड़ी टिक टिक, रेलगाड़ी टिक टिक, रेलगाड़ी टिक टिक, बचपन में बहुत गाना गाया था इसके ऊपर, एक टॉय कार है। क्या होता है, टॉय कार तो हमने बना लिया, अच्छा नीचे और एक टॉय कार में बनाता हूं, ऐसे कार नहीं है, ये सिलाई है, सेम टॉय कार में नीचे में भी ड्रॉ करता हूं, टॉय कार नहीं टॉय और रेल, टॉय रेल तो सबको देखा होगा, मैंने भी देखा है। ठीक है, ये हो गया टॉय गाड़ी। अच्छा इसके सामने मैंने एक वॉल दे दिया, मतलब यहां पर जाके उसका जो रोड है वो खत्म हो जाएगा। चलो ठीक, अभी मैं इसके ऊपर क्या कर रहा हूं, एक मार्बल या ब्लॉक उसके पीछे के डब्बे में, डब्बे के ऊपर दे दी, या मान लो कोई भी एक रबर का टुकड़ा, कोई भी एक स्टोन उसके पीछे के डब्बे के ऊपर दे दी, तो ये जितना जा रहा है उतना ये ऊपर से नहीं गिरेगा, जा रहा है एक गाड़ी भी जा रहा है ऊपर से स्टोन भी जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, जितना जाना चाहे जाने दो जाने दो जाने दो, जा रहा है। लेकिन जब ये यहां पर आके धक्का मारेगा, मतलब इसका रास्ता खत्म हो गया, इसका रोड खत्म हो गया, तब क्या होगा, ये जो पत्थर है ये यहां पर आ जाएगा, यहां से यहां पर आ जाएगा, क्यों, ये धक्का खाने से ऊपर तो पत्थर है, ये तो धक्का खाने की वजह से डायरेक्ट ये रेस्ट पे आ गया, लेकिन ऊपर का जो पत्थर है वो रेस्ट पे नहीं आना चाहता है, वो सीधा सामने की तरफ आगे की तरफ चला गया। लेकिन इसका जो बीच का जो फ्रिक्शन है वो फ्रिक्शन की वजह से थोड़ी देर जाके रेस्ट पे आ गया। ये है इनर्शिया ऑफ मोशन का दूसरा एग्जांपल, पता नहीं कितना एग्जांपल दे रहे हैं, दूसरा तो नहीं होगा, तीसरा चौथा ऐसा कुछ होगा। ठीक है, ये हो गया हम लोग का फास्ट, अभी देखते हैं मास एंड इनर्शी, इसको आप कंपैरिजन भी बोल सकते हो, रिलेशन भी बोल सकते हो, डिस्कशन भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मास एंड इनर्शिया क्या है, हम लोगों ने क्या बोला है कि इनर्शिया क्या है, जो रेस्ट होता है उसका रेस्ट, रेस्ट वाला मतलब जो रेस्ट वाला उसका प्रॉपर्टी है उसको, वो वहीं पर रेस्ट है उसका टेंडेंसी को बोलते हैं इनर्शिया, या कोई भी चीज मोशन पे उसका मोशन पे रहने का जो टेंडेंसी है उसको बोलते हैं इनर्शिया। अभी देखो मास और इनर्शिया के बीच का रिलेशन क्या है,
ये दोनों प्रोपोर्शनल है, मतलब एक बात है बोल सकते हो मास ऐसा भी तुम लोग बोल सकते हो, क्योंकि क्योंकि जिसका मास ज्यादा होता है उसका इनर्शिया भी ज्यादा होता है, ठीक है। जैसे कि मान लो एक टॉय कार को हल्का फोर्स देने से वो मोशन पे आ जाएगा, मतलब इसका जो रेस्ट पे रहने की टेंडेंसी है वो थोड़ा कम है, इसलिए हम लोगों ने जब उसको थोड़ा सब फोर्स अप्लाई किया वो चलने लगा। अभी मान लो बड़ा वाला एक ट्रक, इसको तुम अगर मोशन पे लाना चाहो तो बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब इसका जो रेस्ट पे होने की जो टेंडेंसी है वो टॉय कार से बहुत ज्यादा है। अगर वो लोडेड हुआ, मतलब वो ट्रक अगर पूरा भर्ती होता है तो उसका मोशन मतलब रेस्ट पे होने का टेंडेंसी और भी ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो मास इज द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया, मास क्या करता है इनर्शिया को मेजर करता है, जिसका मास ज्यादा होता है उसका इनर्शिया ज्यादा होता है। तो ये तो हम लोगों ने देख लिया इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। अभी बात करते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन का। अभी मान लो एक टॉय कार है, टॉय कार मोशन पे है, मतलब तुमने धक्का दिया, जो पहले टॉय कार को धक्का दिया था वो मोशन पे है, अभी इसको जाके थोड़ा ऐसे पकड़ लो तो ये रेस्ट पे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मान लो एक ट्रक है जो मोशन पे है, अगर तुम उसके सामने जाते हो वो शायद तुमको कुछ कुचल के निकल जाएगा, क्योंकि तुम्हारे मतलब तुम्हारा बस का बात नहीं है एक ट्रक को मोशन से रेस्ट पे लाना, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका तो इनर्शिया ऑफ मोशन है ये बहुत ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि उसका मास ज्यादा है, मतलब मास ज्यादा होने से जो इनर्शिया है वो चाहे मोशन का हो या रेस्ट का हो हमेशा ज्यादा होता है। इसलिए क्या बोलते हैं, जो इनर्शिया जब हम लोग मेजर करते हैं वो हम लोग मेजर करते हैं मास, ठीक है। तो हो गया हम लोगों का मास एंड इनर्शिया का रिलेशन, या कोई भी मान लो। अच्छा, अभी देखते हैं मोमेंटम, जो हम लोगों ने न्यूटन के सेकंड लॉ में बात किया था, चेंज ऑफ मोमेंटम मोमेंटम मोमेंटम, ठीक है। अभी ये मोमेंटम क्या चीज है, या फिर जो न्यूटन का सेकंड लॉ है वो क्या चीज है, वो मैं अभी डिस्कस कर लेता हूँ। जो फर्स्ट लॉ था उसके बारे में डिस्कशन हो गई, अभी हम लोग बात करेंगे पूरा पूरी सेकंड लॉ के बारे में। सेकंड लॉ क्या था, जस्ट चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द फोर्स अप्लाई, ठीक है। यहाँ पर एक तो इक्वेशन भी हम लोगों ने लिखा था, एफ इक्वल टू एम वी बाय टी, ऐसा कुछ है हम लोगों ने लिखा था, और एन, ठीक है। अच्छा, तो मोमेंटम है क्या, तो मान लो मैं एक बात बोलता हूं कि एक टॉय कार है और एक ओरिजिनल कार है, दोनों मोशन पे है, तो क्या होगा, दोनों को रेस्ट पे लाने के लिए हम लोग को सेम फोर्स अप्लाई करने से नहीं होगा, टॉय कार में तो हल्का फोर्स देने से भी हो जाएगा और जो ओरिजिनल कार है उस पर ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तो मतलब दोनों का स्पीड सेम होने से भी दोनों का इनर्शिया सेम नहीं है। तो ये एक और एक बात आती है, मोमेंटम मीन्स मोमेंटम, ये क्या होता है, इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। इसको अगर हम लोग डिनोट करते हैं पी से, पी इक्वल टू मास मीन्स एम, वेलोसिटी मीन्स वी, वेलोसिटी तो वेक्टर होता है तो ये वेक्टर होता है, और मोमेंटम का डायरेक्शन किस तरफ होता है, वेलोसिटी का डायरेक्शन जिस तरफ होता है मोमेंटम का डायरेक्शन भी उसी तरफ होता है। जैसे कि मान लो एक गाड़ी जा रहा है, जा ही रहा है, तो उसका वेलोसिटी, चलो चौकर के दिखाता हूं, यहां पर एक गाड़ी है इस तरफ जा रहा है, इसका वेलोसिटी इस तरफ है वी वेलोसिटी से, तो उसका मोमेंटम किस तरफ होगा, इसी तरफ होगा एंगल वाला, मतलब मोमेंटम का डायरेक्शन उसी तरफ होता है जिस तरफ उसका वेलोसिटी होता है, ठीक है। समझ में आया कि मोमेंटम क्या है,
मोमेंटम को हम लोग डिनोट करते हैं पी से, और मोमेंटम का यूनिट क्या होगा, मास का यूनिट क्या है, मास का यूनिट है केजी, वेलोसिटी का यूनिट क्या है मीटर पर सेकंड, तो मोमेंटम का यूनिट क्या होगा केजी मीटर सेकंड, ये हो गया मोमेंटम का यूनिट। ठीक है, अगर हम लोग इसका डायमेंशन निकालते हैं, डायमेंशन निकालते हैं तो मोमेंटम का डायमेंशन क्या होगा, मास का डायमेंशन टू वेलोसिटी का डायमेंशन, मास का डायमेंशन तो एम ही होता है और वेलोसिटी का एल टी टू द पावर माइनस, तो ये हो जाएगा एम एल टी टू द पावर माइनस, ये हो गया हम लोगों का मोमेंटम का डायमेंशन। तो मोमेंटम क्या है, मोमेंटम है वो वाला चीज जो मास और वेलोसिटी के कॉम्बिनेशन पे एक बॉडी पे जनरेट होता है, ये होता है मोमेंटम। जिसका मोमेंटम जितना ज्यादा होगा उसका फोर्स उतना ज्यादा होगा। ठीक है, चलो ठीक है, अभी बात करते हैं न्यूटन के सेकेंड लॉ के बारे में, जहां से ये आया है एफ इक्वल टू एम। ठीक है, एफ इक्वल टू एम कहां से आया है, न्यूटन के सेकेंड लॉ से, ये आप लोगों को बाद में बहुत जगह पे मिलेगा। तो फिलहाल मैं अभी बात कर लेता हूं कि एफ इक्वल टू एम कैसे ड्राइव होता है, ये तो आप लोगों ने नीचे क्लास में भी देखा होगा। मान लो यहां पर एक बॉडी है, इसका वेलोसिटी यू है, इनिशियल वेलोसिटी यू है, इस पे एक्सेलरेशन ए काम करने से ये बॉडी यहां पर आ गया, इसका वेलोसिटी भी हुआ, यहां से यहां तक आने में टी टेन लगाया इसको, और ये एक्सेलरेशन ए है इसका बॉडी का। ठीक है, और बॉडी का मास है एम, तो लेट मास ऑफ द बॉडी इक्वल टू एम। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इक्वल टू यू, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी भी। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इक्वल टू ए एंड टाइम टेक्स टू रीच वेलोसिटी वी फ्रॉम वेलोसिटी यू इज टी। ठीक है, तो सो इनिशियल मोमेंटम of the body, initial momentum क्या होगा, एम यू मास इंटू वेलोसिटी, यहां पर मास है इसका एम, वेलोसिटी है यू, इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी मीन्स एम यू एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉडी इक्वल टू एम। ठीक है, सो चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम कितना चेंज हुआ है, यहां पर एक बात लिख देता हूं, बी ग्रेटर देन यू मीन्स उसका फाइनल वेलोसिटी जो है ज्यादा है इनिशियल, तो कितना चेंज हुआ है मोमेंटम, एम बी माइनस एम, यानी कॉमन ले लेते हैं मिनस यू। ठीक है, सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, इक्वल टू
ये कितना टाइम में चेंज होगा टी टाइम में, तो एक टाइम में कितना चेंज होगा एम वी माइनस यू बाई टी। ठीक है, अभी न्यूटन ने सेकेंड लॉ पे क्या कहा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड, इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड, मीन्स एफ प्रोपोर्शनल टू एम वी माइनस यू बाई टी, एफ प्रोपोर्शनल टू एम वी माइनस यू बाई टी क्या होता है, ए होता है एक्सेलरेशन, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी यू फाइनल वेलोसिटी वी और टाइम टी होने से एक्सेलरेशन क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम वी माइनस यू बाई टी। अभी प्रोपोर्शनल साइन उठाने के लिए हम लोग एक कॉन्स्टेंट लेना पड़ता है, जहां पर हम लोग देते हैं के एम। ठीक है, अभी मान लो कि एम इक्वल टू वन है, ए इक्वल टू वन है, एफ इक्वल टू वन है, तो क्या आएगा, ए का वैल्यू भी वन है, दैट मीन्स एफ इक्वल टू एम। ठीक, समझ में आया ना, तो यहां से आगे हम लोगों का एफ इक्वल टू एम ए का जो रिलेशन था वो हुआ। ठीक है, समझ में आएगा, चलो साफ कर देता हूं ये। फोर्स के बारे में तो बोल दिया है, अभी और एक तो बात बोल देता हूं, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स या फिर जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट या कोई मास कोई ब्लॉक कब इक्विलिब्रियम में रहता है, मीन्स यूनिफॉर्म मोशन हो या रेस्ट पे हो, ये कब रहता है। मान लो कि यहां पर एक ब्लॉक है, ब्लॉक टेबल के ऊपर एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक ऐसे बैठे हुआ है, मतलब ये आराम से इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, कोई भी दिक्कत नहीं है इसको, कोई परेशानी नहीं, ये इक्विलिब्रियम पे क्यों कैसे है, ये मतलब मन में क्वेश्चन नहीं जाते हैं कि ये यहाँ पर ही बैठा हुआ क्यों है, ये यहां से आके यहाँ पर नहीं गिर रहा है, यहां से आके यहाँ पर नहीं गिर रहा है क्यों, अगर हम लोग थोड़ा टेबल को ऐसे काट कर देते हैं तब जाके ब्लॉक यहां से यहाँ पर गिर जाता है, लेकिन इस पोजिशन पे नहीं गिरता है, ऐसा क्यों होता है, ये ब्लॉक यहां पर ही कैसे बैठा हुआ है, क्योंकि ये जो ब्लॉक यहां पर बैठा हुआ है इसका मास अगर एम होता है तो इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होता है नीचे की तरफ, वो होता है एम, मतलब इसका वेट। ठीक है, वेट मीन्स मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये होता है वेट, तो ब्लॉक का मास हो गया एम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया जी, वेट को डिनोट करते हैं हम लोग डब्ल्यू से, तो डब्ल्यू इक्वल टू एम जी, तो ब्लॉक का जो वेट है एम जी वो नीचे की तरफ अप्लाई हो रहा है आराम से, नीचे की तरफ उसका वेट अप्लाई हो रहा है, और जो टेबल है वो ऊपर की तरफ सेम फोर्स अप्लाई कर रहा है, क्यों, ये आता है इसका रीजन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ क्या था, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, तो ब्लॉक में तो टेबल के ऊपर एक्शन क्या है एमजी वाला, तो टेबल तो ब्लॉक के ऊपर रिएक्शन करेगा ही करेगा, टेबल ने भी रिएक्शन कर दिया। ठीक है, अच्छा, तो इसलिए जब एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल होता है तब ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में रहता है। अभी जब हम इस टेबल को काट करते हैं तो क्या होता है, इसका जो वेट है वो तो इस तरफ काम करता है, लेकिन इसका जो रिएक्शन है वो इस तरफ काम करता है,
तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे मतलब इसका रिएक्शन और वेट इक्वल नहीं होता, तो इसलिए ये नीचे की तरफ आ जाता है। इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ये बहुत मजेदार टॉपिक है। बहुत सारे इक्वेशन पे साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा बहुत सारा फोर्स अप्लाई होगा, हम इसी चैप्टर में बात करेंगे, मजा आएगा। तो अभी इसके यहाँ पर नहीं जाते, जैसे कि मैंने पहले ही बोला था आज हम लोग थोड़ा बेसिक चीज बात करेंगे। तो वही ब्लॉक कब इक्विलिब्रियम में रहता है, जब उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो होगा, मतलब उसका वेट और रिएक्शन जीरो होगा, ठीक है। तो अभी देखो यहां पर भी एक मजेदार बात है, एक्शन और रिएक्शन ऑपोजिट और इक्वल होने से, मान लो हम लोग एक गाड़ी पे बैठे हुए हैं या फिर गाड़ी के अंदर है, यहां पर अभी हम लोग अगर गाड़ी पे फोर्स अप्लाई करते हैं, जोर से धक्का लगाते हैं गाड़ी के ऊपर बैठ के, मतलब गाड़ी के अंदर रह के घड़ी को धक्का लगाते हैं, तो गाड़ी आगे की तरफ जाएगा। सोच के देखो, गाड़ी के अंदर बैठ के हम लोग गाड़ी को अगर धक्का लगे तो क्या गाड़ी आगे की तरफ जाएगा? आंसर इज नो। क्यों? एक्शन एंड रिएक्शन दो अलग चीज पे अप्लाई होता है, ठीक है। दो सेम चीज पे अप्लाई होने से वो मतलब अल्टीमेटली उसका जो रिजल्टेंट है वो जीरो हो जाएगा। जैसे तुमने इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई किया है, मान लो ये तुम्हारे ऊपर एक फोर्स अप्लाई करता है, तो बीच में क्या हो जाता है, प्लस से माइनस से इक्वल टू जीरो, आगे एक फोर्स इज जीरो। जैसे कि मान लो कि ये एक नाव है जो नदी के ऊपर है, ठीक है, जो नदी के ऊपर है, नाव है, बोट है, और अगर यहां पर बैठ के कोई दो आदमी बैठ के एक दूसरे को मतलब नाव को ऐसा धक्का लगे तो क्या होगा, नाव आगे की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि दोनों ने नाव के ऊपर बैठ के नाव के ऊपर ही फोर्स अप्लाई किया, दोनों ने एक चीज के ऊपर ही फोर्स अप्लाई किया है, तो वे डिस्प्लेस नहीं होगा। लेकिन जब ये लोग कोई काट के टुकड़े से या कोई भी चीज से पानी के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है, तब क्या होता है, पानी को पीछे की तरफ धक्का देने से पानी आगे की तरफ धक्का देता है उस चीज को, और वो चीज बोर्ड से कनेक्टेड होने से बोर्ड भी आगे की तरफ निकल जाता है। मतलब एक्शन एंड रिएक्शन अगर दूसरा चीज पे अप्लाई होता है तो रिजल्टेंट पे वो चीज मोशन पे हो सकता है, मतलब रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं होता, इसलिए वो आगे की तरफ जाता है। लेकिन एक्शन और रिएक्शन सेम चीज पे होने से क्या होगा, वो अल्टीमेटली जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक्शन को अगर हम लोग प्लस पकड़ते हैं तो रिएक्शन को हम लोग माइनस पकड़ना पड़ेगा, तो अल्टीमेटली प्लस माइनस मिलके जीरो आ जाएगा। तो इसलिए हम लोगों का जो मोशन है वो मोशन पे नहीं आएगा, ठीक है। तो बेसिक बात तो हम लोगों ने बोल दिया है, मैंने तो बोल दिया है, लेकिन कुछ कुछ स्किप कर गया हूं, याद नहीं था। वो था जैसे फोर्स का हम लोगों ने डायमेंशन नहीं बनाया, और फोर्स का हम लोगों ने यूनिट भी नहीं देखा है, मैंने वैसे स्टोरी पे चला गया। तो फोर्स क्या होता है, जैसे कि हम लोग अभी तक पढ़ा F इक्वल टू एम, ठीक है, ये होता है फोर्स। तो एम का डायमेंशन क्या है, एम ही है। एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या है, एक्सेलरेशन मींस एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी बाय टाइम। और वेलोसिटी क्या है, यहां पर लिख लेता हूं, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस
बाय टाइम, ये होता है वेलोसिटी। डिस्टेंस का डायमेंशन क्या है एल, टाइम का डायमेंशन क्या है टी, ये क्या हो जाएगा एल टी टू द पावर माइनस। अब एक्सीलरेशन का डायमेंशन क्या हो जाएगा, वेलोसिटी का हो गया एल टी टू द पावर माइनस वन, टाइम का आ जाएगा टी, तो ये आ जाएगा एल टी टू द पावर माइनस टू। ये हो गया हम लोगों का एक्सीलरेशन का डायमेंशन। तो यहां पर मैं लिख देता हूं एक्सीलरेशन का डायमेंशन एल टी टू द पावर माइनस टू, ये हो गया एम एल टी टू द पावर माइनस टू, ये हो गया हम लोगों का फोर्स का डायमेंशन। ठीक है, अभी फोर्स का हम लोग यूनिट देखेंगे, फोर्स का यूनिट सीजीएस पे देखेंगे, एसआई पे देखेंगे और क्या चीज पे देखेंगे, ग्रेविटेशन वाले यूनिट पे भी देखेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लो फोर्स का अगर हम लोग एब्सोल्यूट यूनिट देखते हैं, एब्सोल्यूट यूनिट सीजीएस और एसआई का, सीजीएस पे क्या होता है डाइन, एसआई पे क्या होता है न्यूटन, ये हो गया फोर्स का एब्सोल्यूट यूनिट। अभी देखेंगे ग्रेविटेशनल यूनिट, ग्रेविटेशनल यूनिट। ठीक है, सीजीएस आएगा इसमें भी, एसआई आएगा इसमें। ग्रेविटेशनल यूनिट पे क्या होगा बोलो, ग्रेविटेशनल पे होगा सीजीएस पे ग्राम वेट और इस पे होगा केजी वेट एसआई, क्योंकि एसआई का जो मास का यूनिट है वो होता है हम लोग का केजी, और एक्सीलरेशन मीन्स वेट, यहां पर वेट मीन्स जी, जी का वैल्यू हम लोग एसआई पे यूज करने से एसआई का वैल्यू लिखेंगे। एसआई का वैल्यू क्या होता है सबको पता है, जी का एसआई का वैल्यू क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकंड, ये होता है एसआई में। और जी का सीजीएस पे क्या होता है 980 सेमी पर सेकंड, ये होता है सीजीएस। तो ये हो गया हम लोगों का फोर्स का यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है, ये सब बाद में यूज होगा न्यूमेरिकल पे, जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, हम लोग तो न्यूमेरिकल करते ही रहते हैं हमेशा, जितना हो सकता है न्यूमेरिकल करो, मैं तो हमेशा चिल्लाता रहता हूं क्योंकि मेरा एक दोस्त ने बचपन में बोला कि मैथमेटिक्स इज द मेडिसिन ऑफ ब्रेन, ये बात हमेशा याद रखना। मैंने इसको थोड़ा मॉडिफाई करके यहां पर एक ऑनली डाल दिया, मैथमेटिक्स इज द ओनली मेडिसिन ऑफ ब्रेन। मेडिसिन का सिर्फ एक ही, अरे ब्रेन का सिर्फ एक ही मेडिसिन होता है वो है मैथमेटिक्स। जितना आप मैथमेटिक्स करोगे, जितना आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, उतना आप ब्रेन इंक्रीज होगा, इसलिए हमेशा तो जितना हो सके आप लोग घर में मैथमेटिक्स करते रहो, फिजिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व करते रहो, तो आप लोगों को फिजिक्स समझने में आसानी होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, बेसिक्स अच्छा होगा, न्यूमेरिकल करने से आप लोगों का बेसिक स्ट्रांग होगा। तो ज्यादा बात नहीं करते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसका और थोड़ा थ्योरी लेके फिर थोड़ा थोड़ा न्यूमेरिकल करेंगे, तब तक के लिए टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।